Hello everyone, this is Renu and you are watching Q-Trix. Today we are going to learn about squares and square roots. Squares kya hote hain? The square of a number is the product of the number with the number itself. एक स्क्वायर नंबर का क्या होगा? प्रोडक्ट होगा उस नंबर का उसी नंबर के साथ विद द नंबर इटसेल्फ, उसे हम स्क्वायर कहेंगे. फॉर एग्जांपल, एक्स इज अ गिवन नंबर, एक्स एक गिवन नंबर है, तो द स्क्वायर ऑफ एक्स, स्क्वायर क्या होगा एक्स का? एक्स इंटू एक्स. ओके, एंड इट इज डिनोटेड बाय एक्स टू द पावर 2. ठीक है, कोई भी नंबर है अगर वो किसी का स्क्वायर है तो उसको डिनोट करेंगे हम एक्स टू द पावर 2. ठीक है, नंबर के पावर क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, या एक्सपोनेंट बोल सकते हैं, 2 होना चाहिए. ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं. देखिए, यहाँ पे गिवन है 4 to the power 2, मीन्स 4 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और इसे हम क्या बोलते हैं? 4 स्क्वायर. तो 4 स्क्वायर हमारे पास क्या आया? 16 आया. तो एंड और हम इसे क्या कहेंगे? द स्क्वायर ऑफ 4 इज 16. 4 का स्क्वायर क्या है? 16 है. हमने क्या किया? 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिल गया? 4 का स्क्वायर मिल गया, जो कि क्या है? 16 है. अब देखते हैं 9 स्क्वायर मीन्स 9 into 9, दैट इज 81. 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81 होता है. तो हमने क्या किया? 9 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे हमें क्या मिल गया? 9 का स्क्वायर मिल गया, जो कि है 81. ये तो बात थी कि स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं और स्क्वायर को कैसे हम डिनोट करते हैं. अब बात आती है कि किसी नंबर को हम परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर नंबर कब बोलेंगे. अ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर. एक नेचुरल नंबर को परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर नंबर कब बोलेंगे? इफ इट इज द स्क्वायर ऑफ सम नेचुरल नंबर. अगर वो क्या है? स्क्वायर है किसी नेचुरल नंबर का. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे गिवन है 1 is equal to 1 square. 1 किसका स्क्वायर है? 1 का स्क्वायर है. 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर होता है. 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का स्क्वायर होता है. 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का स्क्वायर होता है. 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर होता है. एंड सो ऑन. मीन्स यहाँ पे आप दिख रहा है आपको कि जो ये 4, 9, 16, 25, ये क्या है? स्क्वायर है किसी नेचुरल नंबर्स की. ठीक है, तो इन्हें हम क्या बोल दिया? हमने परफेक्ट स्क्वायर बोल दिया. किनको? 4 को, 9 को, 16 को, 25 को. ये क्या दिखा रहे हैं हमें? स्क्वायर्स बता रहे हैं किसी भी परफेक्ट नंबर का, परफेक्ट नेचुरल नंबर्स का. ठीक है, जैसे 2 का, 2 का एक नेचुरल नंबर है, उसका स्क्वायर क्या क्या होता है? 4 है. तो 4 क्या है यहाँ पे? परफेक्ट स्क्वायर्स. ठीक है, तो ये क्या है? सम परफेक्ट स्क्वायर्स है. अब परफेक्ट स्क्वायर्स भी हो गए, तो अब हमें ये बताना है, ये चेक करना है कि कोई नंबर को हम परफेक्ट स्क्वायर कैसे बोल सकते हैं और कैसे पता लगा सकते हैं कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है. तो उसके लिए हमें एक टेस्ट करना पड़ता है. उसमें हमें क्या करना पड़ता है? देखिए, अब एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑलवेज एक्सप्रेसिबल, हमेशा एक्सप्रेसिबल होगा एज द प्रोडक्ट ऑफ पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर. वो हमेशा एक्सप्रेसिबल होगा, जो उसका भी प्रोडक्ट आएगा एक नंबर का, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, वो हमेशा क्या होगा? इक्वल पेयर में आएगा. जो भी उसके फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे? इक्वल पेयर के फैक्टर्स बनेंगे. अगर वो बन रहे होंगे इक्वल पेयर्स के फैक्टर, तो वो नंबर क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा. एग्जाम्पल से क्लियरली इसे समझते हैं. देखिए, एक नंबर यहाँ पे दिया हुआ है आपको. इज 196 अ परफेक्ट स्क्वायर? क्या 196 एक परफेक्ट स्क्वायर है? और है तो फाइंड करना है कि ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है. ठीक है, तो हम पहले इसे चेक करने के लिए कि 196 परफेक्ट स्क्वायर है, हम 196 के क्या करेंगे? फैक्टर्स करेंगे, जो कि हम किससे करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से करेंगे. जो हम क्लास 5th, 6th, 7th में पढ़ते थे प्राइम फैक्टराइजेशन, उसकी हेल्प से हम करेंगे. तो हमने क्या किया? प्राइम फैक्टराइजेशन किया इसका 196 का, जो कि हमें क्या फैक्टर्स मिले उससे? 2 into 2, 7 into 7. ठीक है, ये हमें क्या मिले? कुछ फैक्टर्स मिले, प्राइम फैक्टर्स मिले 196 के. तो हमने यहाँ पे चेक किया, जो फैक्टर्स आए वो क्या हमें बताने के लिए कि वो परफेक्ट स्क्वायर है, हमारा टेस्ट में क्या था कि हमें देखना है कि वो इक्वल पेयर, जो उसके प्रोडक्ट हैं, वो इक्वल फैक्टर पेयर्स में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे. तो हमने चेक किया, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहे हैं? दिख रहे हैं कि इक्वल पेयर्स में है. इसके फैक्टर्स क्या हैं? इक्वल पेयर में बन रहे हैं इनके प्रोडक्ट. तो हमने क्या कहा कि 196 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट,
एज अ प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर. किसका प्रोडक्ट किसका बन रहा है? ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स के पेयर्स का प्रोडक्ट बन रहा है. तो 196 क्या हो गया? एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया. हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया. अब सेकेंड पार्ट उसने बोला था फाइंड द नंबर. नंबर फाइंड करना है किसका ये 196 स्क्वायर होता है. तो हमने क्या किया, जो भी हमारा यहाँ पे प्राइम फैक्टर निकला उसमें से हमने नंबर्स ले लिए. ठीक है, हमने देखा कि 2 टाइम्स है, 2 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर, 7 भी 2 टाइम्स है. तो हमने एक ले लिया, 2 इन दोनों में से पेयर्स में से एक इन दोनों पेयर्स में से ले लिया. तो हमने लिया 2 और 7, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दे, दैट इज 2 इंटू 7, दैट इज 14. तो 14 किसका स्क्वायर, 14 का स्क्वायर क्या होता है? 196 होता है. ये हमें यहाँ पे पता चल गया. मीन्स 14 वो नंबर है जिसका स्क्वायर 196 होता है. 14 इज द नंबर हुज स्क्वायर इज 196. ठीक है, तो वहाँ पे ये चेक करने के लिए कि वो किसका स्क्वायर है, आप क्या करोगे, एक बार ध्यान से सुनना प्लीज. जो भी आपका प्राइम फैक्टर आएगा उसमें से जितने भी जो भी पेयर्स बन रहे होंगे उन पेयर्स में से एक एक नंबर ले लेना है. जैसे मैंने ये 2 इंटू 2 के पेयर्स में से 2 ले लिया और यहाँ पे 7 इंटू 7 के पेयर्स में से 7 ले लिया, तो उनको फिर हम क्या कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे. फिर हमें पता चल जाएगा कि वो किस, ये जो नंबर है वो किसका स्क्वायर है. ओके, एक और एग्जाम्पल समझते हैं. शो दैट 1764 एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये शो करना है और किसका है ये फाइंड आउट करना है. ओके, तो इसके लिए भी हमने पहले क्या किया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया. जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन आया 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 7 इंटू 7. मीन्स हमें 1764 का जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या मिल रहे हैं, द प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर, पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर के प्रोडक्ट मिल रहे हैं. तो ये भी क्या हो गया, 1764 भी एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया. क्यों हो गया? क्योंकि जो इसका हमें प्राइम फैक्टर मिल रहा था वो क्या मिल रहा है, इक्वल पेयर के प्रोडक्ट के फैक्टर्स मिल रहे हैं, जो हमें क्या बताता है कि कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है. वो हमें क्या बताता है कि उसके पास अगर किसी नंबर के पास अगर इक्वल पेयर ऑफ प्रोडक्ट हो गए, फैक्टर्स क्या हो गए, इक्वल पेयर के हो गए, तो वो नंबर क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा. ये हमें बताते हैं. तो यहाँ से हमें पता चल गया कि 1764 एक परफेक्ट स्क्वायर है. अब फाइंड आउट करना है कि वो किसका स्क्वायर है. तो उसके लिए हमने क्या किया, इनके पेयर से एक एक नंबर उठा लिया. जैसे कि 2 इंटू 2 के पेयर से 2 उठा लिया, 3 इंटू 3 के पेयर से 3 उठा लिया, एंड 7 इंटू 7 के पेयर से 7 उठा लिया. मीन्स 2 क्या है, 2 टाइम्स है, 3 क्या है, 2 टाइम्स है, 7 क्या है, 2 टाइम्स है. ठीक है, मैंने इनके पावर्स लिख लिए. फिर मैंने इनके पावर क्या कर लिया, बाहर लिख लिया होल के. तो मैंने इनको आपस में मल्टीप्लाई किया. सी मल्टीप्लाई कैसे करना है ये ध्यान से देखिएगा. हमने क्या किया, 2 इंटू 3 करेंगे पहले हम. तो 2 इंटू 3 क्या आया, 6 आया. फिर जो भी इन दोनों का प्रोडक्ट आया होगा आपको फिर उससे 7 को मल्टीप्लाई करना है. तो क्या आया, 2 इंटू 3 6 आया. तो 6 इंटू 7 करेंगे. तो 6 इंटू 7 क्या होता है, 42 होता है. तो 42 इज द नंबर हुज स्क्वायर इज 1764. 42 वो नंबर है जिसका स्क्वायर क्या है, 1764 है. तो 1764 किसका स्क्वायर होता है, 42 का स्क्वायर होता है. ओके, अभी तक हमने जाना कि कोई नंबर कैसे परफेक्ट स्क्वायर होता है. अब हम प्रूफ करना है, अब हमें शो करना है कि एक नंबर अगर आपको गिवन है तो हम कैसे पता लगाएंगे कि वो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर है, वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. हम कैसे पता लगाएंगे उसको हम देखेंगे. हमने क्या किया, इसमें भी सबसे पहले इनका प्राइम फैक्टराइजेशन किया. प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हमने देखा कि 2 इंटू 2 तो हमें मिल गया, मीन्स पेयर पे है. 11 इंटू 11 भी हमें मिला, पेयर पे है. बट जो हमारा 13 था वो विदाउट अ पेयर था, मतलब वो किसी भी पेयर का प्रोडक्ट उसके साथ नहीं बन रहा है. तो मीन्स 13 एक अकेला नंबर है. तो यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है, हमने बोला था कि नंबर परफेक्ट स्क्वायर कब होगा, जब उसके जो प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स होंगे वो इक्वल फैक्टर्स के होंगे. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इक्वल नहीं है, 13 क्या है, अकेला है, उसका कोई भी पेयर नहीं बन रहा है. तो 6292 कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर. सो 6292 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. तो 6292 क्या हो गया, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ. ये यहाँ पे शो हो गया. ठीक है, कैसे शो हुआ, आप क्या करोगे, प्राइम फैक्टर्स करोगे इनका. प्राइम फैक्टर्स करने के बाद चेक करोगे कि वो प्रोडक्ट उनका जो है पेयर पे आ रहा है नहीं आ रहा है. अगर नहीं आ रहा है तो वो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर होगा. अगर आ रहे हैं जो प्रोडक्ट है ऑफ अ पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर हैं तो वो क्या होंगे, परफेक्ट स्क्वायर होगा.
ये था कि कैसे एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर नंबर होता है। अब डिस्कस कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर की। ठीक है, हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है अ नंबर एंडिंग इन 2, 3, 7, 8 इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर कोई नंबर है जिसके लास्ट में 2 है या 3 है या 7 है या 8 है, ऐसा भी कोई नंबर है जिनके लास्ट में ये चार नंबर आते हैं, अगर इनमें से चारों में से कोई भी जैसे 2 या 3 या 7 या 8, तो वो नंबर क्या होगा, कभी भी परफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप 82 क्या होता है, किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। 93 187, तो अगर किसी के लास्ट में 2, 3, 7, 8 आता है तो वो नंबर क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब बात करते हैं हमारी जो सेकेंड प्रॉपर्टी है उस पर, अ नंबर एंडिंग इन एन ऑड नंबर्स ऑफ 0 इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। मीन्स अगर किसी नंबर के लास्ट में ऑड नंबर के 0 हुए तो वो भी कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। मतलब जो 0 हैं वो ऑड नंबर पे हुए, जैसे कि 1, 2, 3, 5। ठीक है, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, 1, 3, 5, 7। अगर इस नंबर्स के 0 हैं उसके लास्ट पे, तो वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा 160 है, 160 क्या होता है, किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। बट 1600 क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है, 40 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। बट वहीं पे अगर ये एक जीरो नहीं होता, एक ही जीरो होता, तो ये किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो मीन्स ऑड नंबर पे अगर 0 आएंगे तो वो किसी के भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ऐसे प्रूव भी कर लिया, जस्टिफाई कर लिया कि कैसे ऐसा होगा। ठीक है, तो अ नंबर एंड्स इन 10, 30, 50 रिस्पेक्टिवली, नन ऑफ देम इज अ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 0 है इसके पास, 3 0 है इसके पास, 5 0, तो ये तीनों नंबर्स क्या हैं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि इनके जो नंबर्स हो रहे हैं, नंबर्स हैं वो ऑड नंबर्स 0 के उसमें एंड हो रहे हैं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ। अब आता है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी 3 हमारी बोलती है, इफ अ नंबर, अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है 3 से एंड रिमाइंडर दे रहा है 2, तो वो भी कभी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, अगर किसी नंबर को आप 3 से डिवाइड कर रहे हो और रिमाइंडर 2 बच जा रहा है, तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 170, 578, 617 ये नंबर्स हैं कुछ, अगर इनको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो अगर रिमाइंडर 0 आता है, तो ये नंबर्स क्या होंगे, कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। ठीक है, एक बार चेक करते हैं, जैसे कि ये नंबर हमारे पास था 170, अगर हम इसे 3 से डिवाइड करते हैं तो कैसे आता है, देखिए 5, 3 5 जो 15, क्या बचा 2, 3 6 जो 18, 18 कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा रिमाइंडर आ रहा है 2, तो मीन्स ये क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ। ठीक है, तो मतलब अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है और लीव कर रहा है रिमाइंडर 2, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब प्रॉपर्टी 4 की बात करते हैं, इफ़ अ नंबर, अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है 4 से, ठीक है, कोई भी नंबर अगर 4 से डिवाइड हो रहा है, अगर उस पर रिमाइंडर 2 या 3 आ रहा है, तो वो भी कभी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, कोई भी नंबर ले लीजिए, अगर वो 4 से आप उसे 4 से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, किसी भी नंबर को ले लिया आपने, 15, 37, 208, अगर हम उसे क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, अगर देख रहे हैं कि 2 या 3 अगर रिमाइंडर आ रहा है 4 से डिवाइड करने पे, तो वो भी कभी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। अब बात आती है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5 की, दैट इज अ स्क्वायर ऑफ अ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। ठीक है, किसी भी स्क्वायर, इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होगा, इवन होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 का स्क्वायर क्या है, 4, 2 भी इवन है और 4 भी इवन है। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, 4 भी इवन है एंड 16 भी इवन है। 6 का स्क्वायर क्या है, 36, दैट इज 6 भी इवन है और 36 भी इवन नंबर है। मीन्स स्क्वायर ऑफ अ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। ठीक है, स्क्वायर किसका, ऑड नंबर का हमेशा क्या होगा, ऑड होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं 1 का स्क्वायर क्या है, 1, 3 का स्क्वायर क्या है, 9, 3 और 9 क्या है, दोनों ऑड नंबर्स हैं। 5 का स्क्वायर क्या है, 25, 5 और 25 दोनों क्या है, ऑड नंबर्स हैं।
7 का स्क्वायर क्या है 49, 7 और 49 दोनों क्या है ऑड नंबर्स है, मींस स्क्वायर ऑफ अ ऑड नंबर्स इज ऑलवेज ऑड, ठीक है, किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होगा ऑड नंबर्स होगा। ये थी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज किसकी परफेक्ट स्क्वायर्स की, ठीक है, हमने कितनी प्रॉपर्टीज पढ़ी, 6 प्रॉपर्टीज, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, ये 6 प्रॉपर्टीज पढ़ी। सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्रॉपर्टीज एंड जो हमने पढ़ा स्क्वायर क्या होता है, उसे कैसे डिनोट करते हैं, परफेक्ट नंबर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, ये हमने पढ़ा। तो इस उस बेसिस पे आप एक्सरसाइज 3A ऑफ आर एस अग्रवाल सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है इन इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में, प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। होप यू अंडरस्टैंड। फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूट्रिक्स। थैंक यू।